वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, मराठी व्याकरण। स्टूडेंट्स, आज हम मराठी व्याकरण का अभ्यास करेंगे। शब्द, शब्दों में दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट सव्वय, सेकेंड अव्यय। सव्वय को विकारी भी कहा जाता है और अव्यय को अविकारी कहा जाता है। अब विकारी में चार प्रकार होते हैं, फर्स्ट नाम, सेकेंड सर्वनाम, थर्ड विशेषण, फोर्थ क्रियापद। अविकारी में भी चार भाग होते हैं, फर्स्ट क्रिया विशेषण अव्यय, सेकेंड शब्द योगी अव्यय, थर्ड उभयानवी अव्यय, फोर्थ केवल प्रयोगी अव्यय। शब्दांची जाती। मराठी व्याकरणामध्ये शब्दांचा मुख्यतः दोन जाती असतात। जसे की मैंने आपको बताया है, शब्दों के दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट विकारी शब्द, सेकेंड अविकारी शब्द। अब देखते हैं विकारी शब्द मीन्स क्या, उसका क्या मतलब होता है। विकारी शब्द, जे शब्द वाक्यात उपयोगात येताना त्यांचा रूपात बहुधा कोणता तरी प्रकारांचा बदल होतो त्यांना विकारी शब्द असे म्हणतात। जो शब्द में चेंजेस आते हैं लिंग को लेकर, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। सेकेंड अविकारी शब्द, ज्या शब्दांचा वाक्यात केव्हाही कोणताही प्रकाराचा बदल ना होता उपयोग होता त्यांना अविकारी शब्द म्हणतात। जो शब्द में किसी भी प्रकार का बदल नहीं होता है और इसी तरह उसे उपयोग में लाते हैं, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द, ज्या शब्दांचा मूल रूपात लिंग वचन किंवा विभक्तीमुळे बदल होतो त्यांना शब्दांचा विकारी शब्द म्हणतात। जैसे कि मैंने बताया है, विकारी शब्द किसे कहा जाता है, जिस शब्द में लिंग और वचन में बदल होता है, चेंजेस होते हैं, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल मूले मूली, यहाँ पर लिंग चेंज हो गया है, मूले का मूली हो गया है, मूल मूले यानी यहाँ वचन में बदल हो गया है, मूल मुलाला यहाँ पर विभक्ति में चेंजेस हुआ है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। अब विकारी शब्द में तीन प्रकार होते हैं मराठी व्याकरणामध्ये। यापैकी विकारी नामामध्ये तीन प्रकार आहेत। फर्स्ट नाम, मैंने बताया था विकारी शब्द में चार प्रकार होते हैं, उसका फर्स्ट जो है नाम। अब नाम में तीन प्रकार होते हैं, फर्स्ट सामान्य नाम, विशेष नाम, भाववाचक नाम। सेकेंड सर्वनाम, अब सर्वनाम में कितने टाइप्स होते हैं, पांच टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड दर्शक सर्वनाम, थर्ड संबंधी सर्वनाम, फोर्थ सामान्य सर्वनाम, फिफ्थ आत्मवाचक सर्वनाम। थर्ड विशेषण, अब विशेषण में कितने टाइप्स होते हैं, उसमें भी पांच टाइप्स होते हैं, फर्स्ट गुणवाचक विशेषण, सेकेंड संख्यावाचक विशेषण, थर्ड धातु संबंधी साधित विशेषण, फोर्थ सर्वनामिक विशेषण, फिफ्थ अधिविधि विशेषण। इसके बाद है क्रियापद। क्रियाचा बोध करून वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा विकारी शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात। अब क्रियापद का मतलब क्या होता है, क्रियापद का मतलब होता है क्रियाचा बोध करून वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा विकारी शब्द। क्रिया यानी शब्द को पूरा करकर उसे अर्थपूर्ण बनाने वाले शब्द को क्रियापद असे म्हणतात, उसे कहा जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल्स है गाय दूध देते, देते जो है वो क्रियापद है। अब क्रियापद के कितने प्रकार होते हैं ये हम देखेंगे। क्रियापदाचे प्रकार, उसके कितने प्रकार है, उसके 13 प्रकार है। फर्स्ट सकर्मक क्रियापद, सेकेंड अकर्मक क्रियापद, थर्ड संयुक्त क्रियापद, फोर्थ सहायक क्रियापद, फिफ्थ द्विकर्म क्रियापद, सिक्स उभयविधि क्रियापद, सेवन अपूर्ण विधान क्रियापद, एट सिद्ध क्रियापद, नाइन साधित क्रियापद, टेन प्रयोजक क्रियापद, इलेवन शक्य क्रियापद, ट्वेल्व गौण क्रियापद,
13 भावक कर्तृक क्रियापद, ये क्रियापद के प्रकार है। अब आते अविकारी शब्द में, चार प्रकार होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहा जाता है ये हम देखते हैं। क्रियापदा बद्दल अधिक माहिती देणारा शब्दाला क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात। एग्जाम्पल, फर्स्ट, रवि अतिशय मनमिळाऊ आहे। रवि अतिशय, अतिशय जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। तो नेहमी सर्वांशी नम्रपणे बोलतो, वो हमेशा, नेहमी यानी हमेशा सभी से प्यार से बोलता है। नेहमी जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। मुलगा जलद चालतो, जलद जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। मुली सापाला पाहून मागे पड़ाला, यानी मागे जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। वरील वाक्यातील अतिशय, नेहमी, जलद, मागे ही क्रिया विशेषण अव्यय आहे। सेकंड, शब्दयोगी अव्यय। अब शब्दयोगी अव्यय किसे कहा जाता है उसकी व्याख्या देख लेते। जी अव्यय नाम, सर्वनाम किंवा तत्सम शब्द यांना जोडून येतात आणि त्यांचा त्याचा वाक्यातील इतर शब्दांची संबंध दर्शवितात, त्यांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात। एग्जाम्पल है, पूर्वी, पुढे, आधी, नंतर, पर्यंत, आत, बाहेर, मागे, पुढे, शिवाय, जवळ, कडे, बाजूला इत्यादि। ये सारे शब्द जब वाक्य में आते हैं उन्हें शब्दयोगी अव्यय कहा जाता है। थर्ड, उभयानवी अव्यय। दोन किंवा अधिक शब्द अथवा दोन किंवा अधिक वाक्य जोडणारे अविकारी शब्दाला उभयानवी अव्यय असे म्हणतात। दो या दो से ज्यादा शब्द या वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को उभयानवी अव्यय ऐसा कहते हैं। अब वो क्या है उसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। मी कथा व कादंबरी वाचतो, यहाँ पर दो सेंटेंस को किसने जोड़ा है, व ने। मी कथा व कादंबरी वास्तो, व जो है उभयानवी अव्यय है। तो स्वभावाने आहे सांगला, पण विश्वासू नाही, वो स्वभाव से अच्छा है, लेकिन पण जो है उभयानवी अव्यय है, जो दो वाक्य को जोड़ रहा है। मी आजारी आहे म्हणून, मी शाळेत जात नाही, यहाँ पर दो शब्द वाक्य है, मी आजारी आहे, मी शाळेत जात नाही। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, म्हणून। अब म्हणून क्या है, उभयानवी अव्यय। मी चहा घेतो आणि काफी सुद्धा घेतो, मैं चाय भी लेता हूँ और कॉफी भी, लेकिन आणि, आणि जो है उभयानवी अव्यय है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। केवल प्रयोगी अव्यय, जो लास्ट प्रकार है अविकारी शब्द का, वो है केवल प्रयोगी अव्यय। अब केवल प्रयोगी अव्यय किसे कहा जाता है ये हम देखते हैं। आपल्या मनातील आनंद, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, तिस्कार इत्यादि भावना व्यक्त करणारा अविकारी शब्दांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। अब हमारे मन में आनंद है, दुख है, आश्चर्य है, प्रशंसा है, तिस्कार है, इन शब्द, इन सारे शब्दों की भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द को केवल प्रयोगी अव्यय ऐसा कहते हैं। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल्स है, वाह, वाह वाह, अरे, छान, अहो, सुप, ये सारे केवल प्रयोगी अव्यय है। थैंक यू।